सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फैमिलीज किचन। आज हम फैमिलीज किचन में बहुत ही सिंपल चिकन स्ट्यू की रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली एक चम्मच, 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर उनको मैंने बारीक काट लिया, मसालों में 4-5 सुरख मिर्चें हैं, चिकन 1/2 किलो और 4 बड़े साइज़ के प्याज थे उनको भी मैंने बारीक काट लिया। अब मैं ऑयल शामिल कर दूंगी पैन में और मैं सबसे पहले जो मसाले हैं उनको मैं थोड़ा सा सोते करूंगी। सुरख मिर्चें 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया था और 1 ही टेबलस्पून ज़ीरा था, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग, इनको थोड़ा सा फ्राई करके तो इनमें जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो मैंने शामिल कर दी है। बड़ी सिंपल सी और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, चिकन कढ़ाई से बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें मसाले भी बड़े कम इस्तेमाल होते हैं। सुरख मिर्चें पिसी हुई या कुटी हुई मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं करूँगी, इनको सिर्फ हरी मिर्चों और सुरख मिर्चों के साथ ही मैं पकाऊँगी। जो प्याज थी वो भी मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें प्याज को कलर नहीं देना, सिर्फ प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फिर मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। अब मैं चिकन शामिल कर दिया मैंने और टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। अब चिकन टमाटर और प्याज के पानी के साथ ही पकेगा, इसमें पानी बिल्कुल भी मैं शामिल नहीं करूँगी क्योंकि पानी शामिल करने से प्याज गल जाएगा, लेकिन जो चिकन स्ट्यू की जो खूबसूरती है वो प्याज के साथ ही आती है, तो पानी डालने से प्याज गल जाएगा, इसलिए प्याज भी नज़र आना चाहिए जब ये स्टू तैयार हो जाए। तो इसलिए अब ये टमाटर और पानी प्याज के पानी के साथ ही पकेगा। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ शामिल कर दिया। और 1/2 टीस्पून में इसमें हल्दी और 1/4 टीस्पून में इसमें काली मिर्च शामिल कर दूंगी। ये 3-4 हरी मिर्चें हैं वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। अब इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी चिकन में। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं चिकन में। अब मैं इसको 5 मिनट डांप के रख दूंगी ताकि टमाटर गल जाएं और मैं दरमियान में चेक भी करती रहूंगी ताकि मसाला नीचे से लगे ना। अब ये देखिए तकरीबन 5 मिनट बाद टमाटर गल गए हैं लेकिन चिकन अभी कच्चा है, तो इसको अभी मैं फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फिर मैं अभी रख दूंगी। अब ये देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया। अब चिकन हमारा तैयार हो गया, चिकन को मैंने चेक किया है तो वो गल गया है और मसाला भी बड़ी अच्छी तरह से भुना गया और प्याज भी देखिए नज़र आ रहा है। चिकन स्टू की ये खूबसूरती होती है कि इसमें प्याज भी उसी तरह ही नज़र आए। चलें जब इसको सर्व कर देते हैं। थोड़ा सा मैंने गार्निश कर दिया ऊपर से धनिया और बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी रेसिपी और बिल्कुल डिफरेंट से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।